नमस्कार दोस्तों, JDS कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 9th का चैप्टर 7 और चैप्टर 8 कवर करेंगे। चैप्टर 7 में जनसंख्या है और चैप्टर 8 में मानव व्यवसाय है। तो पहले हम चैप्टर 7 लेते हैं। चैप्टर 7 जनसंख्या। जनसंख्या से संबंधित जो डेटा है वो करंट का होता है। एग्जाम में करंट का ही पूछा जाता है। 2020 चल रहा, 2021 में नई जनगणना होने वाली है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो उसी संबंधित आएगा। लेकिन अब यहां पर जो भी डाटा एनसीईआरटी में दिया है वो बहुत पुराना डाटा दिया हुआ है, तो वो यहां पर मैं बता नहीं सकता। बताएंगे तो वही फिट कर जाएगा दिमाग में। तो जो थोड़ा थोड़ा बाकी और चीजें हैं हल्का फुल्का वो मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी इसमें जनसंख्या में कुछ ज्यादा बताने के लिए कंपटीशन के लिहाज से ज्यादा नहीं है, फिर भी हम उसको बता दे रहे हैं। उसको चार भागों में हम विभाजित कर दे रहे हैं। जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण, नंबर दो जनसंख्या घनत्व, नंबर तीन जनसंख्या की प्रादेशिक भिन्नता, प्रादेशिक भिन्नता इसलिए, नंबर तीन जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति, कृषि और पशुपालन, इसको भी कैटेगराइज कर देंगे। नंबर चार, इन चार हेडिंगों में थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको समराइज करके बता दे रहा हूं। उसमें आप जानते हैं जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की इस समय लगभग 7 अरब के आसपास पहुंच चुकी है। एनसीईआरटी में तो 5 अरब दिया, 5 अरब दिया बहुत पुराना डाटा, लेकिन 7 अरब के आसपास जा चुकी है। तो वो जनसंख्या पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर निवास करती है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका और एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये ओशनिया महाद्वीप जिसे हम बोलते हैं, यहां पे इन जनसंख्या का वास होता है। और उत्तरी गोलार्ध में जब आप जाते हैं तो लगभग 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में है और 10% सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये पूरा आपका जनसंख्या का वितरण छोटा सा हो गया। जैसे आप ये भी देखते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो हमारे एशिया महाद्वीप में है। अब महाद्वीप की अगर बात ले लें, एशिया महाद्वीप में है। और अगर क्षेत्रफल, रूस का क्षेत्रफल भी यूरेशिया से अलग कर दिया, यूरोप से अलग कर दिया है, तो क्षेत्रफल में भी एशिया महाद्वीप आएगा नंबर एक पर। अब आगे आप चले जाते हैं जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व कहीं कहीं पे तो बहुत कम है, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा है भाई। अब इसमें आप जाते हैं एशिया में, हम जाते हैं सिंगापुर में बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा है, और अब अपने इंडिया में आप जाएंगे तो मुंबई, दिल्ली, ये सब जनसंख्या के, जनसंख्या घनत्व तो यहां पर बहुत ज्यादा इन शहरों में। टोक्यो का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। तो यानी क्षेत्रफल कम हो और जनसंख्या ज्यादा वहां पे निवास करती हो, वो जनसंख्या घनत्व हुआ, उसका भी फार्मूला है। ठीक, आगे आए प्रादेशिक भिन्नता। प्रदेश के आधार पर, रहन वास स्थान के आधार पर उनमें क्या भिन्नता पाई जा रही है।
जैसे आप देखते हैं वही वही जनसंख्या पाई जाती जहां जहां पर पर्यावरण उनके लिए अनुकूल रहता या खाद उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था रहती। अब रेगिस्तान में तो ना जनसंख्या रहने जाएगी, सहारा के रेगिस्तान में इसमें इस वाले रेगिस्तान में हमारे इंडिया के थार रेगिस्तान में या बहुत ज्यादा हिल एरियाज में वहां पर जनसंख्या तो बनने जाएगी नहीं। तो ये सब उनका प्रादेशिक भिन्नता हुआ। खाद्य आपूर्ति, अब जनसंख्या है तो उसकी खाद्य आपूर्ति भी आवश्यक है। कृषि जहां पर संभव है वहां पर जनसंख्या वास करती है, जाहिर सी बात है अगर उनके खाने पीने का साधन नहीं रहेगा तो वो कैसे वास करेंगे। तो वहां से कृषि के द्वारा वो खाद्यान्न आपूर्ति होती और पशुपालन भी वहीं पे हुआ था। पशुपालन एक प्रकार से उनको दूध दही तो दिया करता, बाकी अन्य जानवरों से वो मांस की भी प्राप्ति हो जाती उन्हें। जैसे कोस्टल एरिया में हमने बताया था पिछले वीडियो में, कोस्टल एरिया में मत्स्य पालन बहुत होता है, उसके द्वारा मछली अपना ये लोग मुख्य आहार होता है। ये आपका हुआ जनसंख्या के बारे में थोड़ा थोड़ी थोड़ी करके जानकारी। डेटा मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं डिस्क्लोज बता रहा हूं क्योंकि डेटा नया आएगा और वो नए डेटा से ही आप लोग अध्ययन कीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर की हम तब बढ़ते हैं, मानव व्यवसाय। चैप्टर नंबर 8 मानव व्यवसाय, मानव व्यवसाय। मानव के आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर इनको मेनली तीन भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आपका प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। नंबर 2 गौण क्षेत्र। नंबर तीन आपका हो गया तृतीयक क्षेत्र। या इसको सेवा क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं, सेवा क्षेत्र। पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या है। वहां से जहां से मैं डायरेक्ट कोई चीज प्रोडक्शन आप मान सकते हैं, प्रोडक्शन के द्वारा हमें कुछ प्राप्त हो वो हो गया प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन और एक आध और लकड़ी काटना, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। और इसी प्राथमिक क्षेत्र को हम कुछ संशोधित करके किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हो गया द्वितीयक क्षेत्र या गौण क्षेत्र, और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, कपास तो प्राथमिक क्षेत्र में आया, जब हम कपास को निकाले तो उससे हमने सूत का निर्माण किया, कपड़े का निर्माण किया, अब उस कपास की वैल्यू बढ़ गई वहां पर, तो वो गौण क्षेत्र में आया या द्वितीयक क्षेत्र भी उसको कह सकते हैं आप। तृतीयक क्षेत्र में इन दोनों कार्यकलापों के अतिरिक्त कार्य होता है, जैसे शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, चिकित्सा हो गया, व्यापार हो गया, ये सब तृतीयक क्षेत्र में आते, यानी मेनली सेवा क्षेत्र ये तृतीयक क्षेत्र में आ गया। ये इसका पूरा मानव व्यवसाय का पूरा डिफाइंड तरीके से मैंने आपको बताया। पशुपालन, अब एक एक चीज थोड़ा कैटेगराइज कर दें, कटराइज करने की आवश्यकता भी नहीं, हालांकि आप सब कुछ इसमें जानते हैं। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में मेनली हम लोग पशुपालन किया करते हैं, पशुओं को हम लोग पालते हैं, उनसे दूध दही लेते हैं या बकरी पालते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी ये सब, जिससे हमें कुछ लाभ प्राप्त हो सके। भेड़ हम लोग पालते हैं ताकि हमें ऊन उससे प्राप्त हो सके, बकरी वगैरह पाला जाता है ताकि मांस उससे मिल सके, मुर्गी पाला जाता है अंडा उससे मिल सके या उसका उसके मांस मिल सके, गाय भैंस पालते हैं ताकि उससे दूध दही हमको मिल सके, ये पशुपालन का होगा। कृषि हम लोग, ये भी प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए भी, हम गांव में रह रहे हैं
और शहरों के लोग जो शहर में रह रहे हैं, हम वहां पे सप्लाई भी किया करते, कृषि से हम व्यापार भी अनाज उत्पादन करते, खाद्यान्न आपूर्ति होती है और एक व्यापार भी हम उससे किया करते हैं और कृषिगत उत्पाद भी तैयार होते हैं। जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ब्रेड, ब्रेड तो कृषि का ही प्रोडक्ट है। अब ब्रेड भी आपका एक गौर क्षेत्र में आ गया, गेहूं, गेहूं से हमने, गेहूं हमने प्राप्त किया, अब गेहूं से हमने ब्रेड बनाया। अब जब ब्रेड कारखाने में बना तो उस गेहूं का वैल्यू बढ़ गई वहां पर, ठीक। ये आपका कृषि हो गया। मत्स्य पालन, उसमें आप देखते हैं कोस्टल एरियाज में, इंडिया के कोस्टल एरियाज में हम लोग देखते हैं समुद्र से मछली मछली निकालते हैं और मत्स्य पालन भी किया करते हैं और सप्लाई भी किया करते हैं, ताकि मछली के मांस को लोग सेवन कर सकें और अनाज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना होने पाए। क्योंकि अनाज अगर सारे भारत के लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो शायद इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न आपूर्ति करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए अब कुछ लोग उसमें शाकाहारी भी रहते हैं, कुछ मांसाहारी भी रहते हैं। तो मांस जिनको पसंद है तो मांस अपना खाए और अनाज जिसको पसंद है भाई अनाज खाए। और अगली अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, खनन, ये भी प्राथमिक क्षेत्र का है। कोयले का हम माइनिंग, कोयला खदान से कोयला निकालते हैं, तो वो भी कोयला निकालना भी एक, हमने जमीन के अंदर से कोयला निकाला भाई, तो वो कोयला निकालना भी जो एक प्रोसेस है वो भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। ये आपका हो गया प्राथमिक क्षेत्र की डिटेल, आपको इंफॉर्मेशन। गौर क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के बाद कोयले और खनिज तेल के अधिकाधिक उपयोग के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के, जब 1750 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो कारखाने बने, मशीनें बनी, और मशीनें जाहिर सी बात है 100 आदमियों का काम एक छोटी सी मशीन कर देगी, 1 घंटे में कर देगी, वो 24 घंटे मिल के करेंगे। तो डिमांड बहुत ज्यादा होने लगी, यहीं से माइनिंग को भी बढ़ावा मिलने लगा और नई नई चीजों को भी बढ़ावा मिलने लगा। तो इसके फलस्वरूप धीरे धीरे विकास इस गौर क्षेत्र का होने लगा। अब आज की डेट में जैसे आप देखते हैं कि कपास, हम लोग यहां पर इंडिया में हम बात कर रहे हैं, कपास हम लोग निकाले उससे, तो आज की डेट में लोग चरखा नहीं काटते हैं, अब बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है। अब जब बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होने लगा तो कपड़े बनने लगे, अब एक कपड़े कपड़े बनने लगे और इन कपड़ों की कास्ट वैल्यू उस कपास से ज्यादा हो गई। अब ये कपड़े ज्यादा क्यों बनने लगे, जनसंख्या ज्यादा हो गई, जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ेगी उसी अनुपात में तो हम कपड़े बनाएंगे या कपड़े बना के स्टोर करके रख देंगे, ऐसा तो है नहीं। ये आपका गौर क्षेत्र की जानकारी। तृतीय क्षेत्र में हम सर्वाइव कर रहे हैं तो हमारे लिए शिक्षा की आवश्यकता है। आपको मैं पढ़ा रहा हूं या बता रहा हूं तो आपके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। तो ये क्यों आवश्यकता है, पहली बात तो ये जो वेदों में कही गई है वो आप जान लें कि मनुष्य शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है, ये ऋग्वेद की बात मैं कर रहा हूं। तो पहले शिक्षित होइए, तर्क तर्क की दुनिया में जाइए, क्या सही है क्या गलत इसको पहचानिए, शिक्षा हुआ। अब हम हैं तो हम कभी जुकाम भी हो गया, कभी बुखार भी हो गया, आप हैं या कुछ सर्दी जुकाम बुखार आपको भी हो गया भाई, तो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए दवा की आवश्यकता पड़ेगी, तो दवा भी लेंगे खरीद, उसके लिए डॉक्टर बताएगा हमें कि आपको फला दवा की आवश्यकता है, तो स्वास्थ्य यहां पे स्वास्थ्य आ गया। परिवहन, जब हम चलेंगे, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो जाहिर सी बात हमें व्हीकिल की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो व्हीकिल भी हम खरीदेंगे, तो खरीदेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तब जा पाएंगे भाई, परिवहन परिवहन हो गया। और सेवा क्षेत्र, नौकरियां, ये सब सेवा क्षेत्र के दायरे में आती हैं। माने हम जिससे अर्न करते हैं, हम अपनी सेवा देकर बदले में कुछ उससे अर्न करते हैं, पूंजी अर्न करते हैं, वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। ये पूरा
मानव व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी, आर्थिक गतिविधि के आधार पर ये पूरी जानकारी इंफॉर्मेशन हमने आज आज ये दो छोटे छोटे चैप्टर थे, इसीलिए हमने इसको कंबाइंड किया, क्योंकि एक चैप्टर लेते तो बहुत ही छोटा छोटा वीडियो बन पाता। दोनों चैप्टर को कंबाइन करते हुए मैंने आपको पूरा बता दिया। कल फिर अब इसमें दो लेक्चर इस क्लास नाइन्थ में और बचे हुए हैं, कल फिर लगभग चार चैप्टर अभी और बचे हुए, दो दो चैप्टर करके मैं फिनिश कर दूंगा। आज का लेक्चर यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।